सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इज माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। तो दोस्तों, यहाँ पर रेडमी बहुत ही जल्दी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है उनकी नोट सीरीज का। और यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था रेडमी के नोट 9 के सभी फीचर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ऑफिशियली निकल करके आए थे, ऑफिशियली नहीं बल्कि लीक्स के द्वारा निकल करके आए थे। और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताया था कि रेडमी के नोट 9 और रेडमी के नोट 9 प्रो दोनों के ऊपर काफी सारे फीचर्स यहाँ पर निकल करके आए हैं जो कि लीक्स के बेसिस पे हैं। तो कल हमने बात किया था रेडमी के नोट 9 के बारे में, और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेडमी के नोट 9 प्रो के बारे में, इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स के बारे में कि क्या कुछ फीचर्स कल यहाँ पर निकल करके आए हैं और क्या कुछ प्राइसिंग है, क्या कुछ इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट यहाँ पर होने वाली है। अब सबसे पहले बात करता हूं इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाली है दोनों स्मार्टफोन के। यहां पर दोनों स्मार्टफोन में आपको ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग वाली जो बैक है वो यहां पर पीछे की साइड देखने के लिए मिलने वाली है रेडमी के नोट 9 और रेडमी के नोट 9 प्रो में। और फाइनली डिस्प्ले की बात करता हूं तो 6.53 इंच का डिस्प्ले आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले काफी बड़ा होने वाला है, फुल HD एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके साथ साथ सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन आपको यहां पर इस डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस बार आपको यहां पर मीडियाटेक का 800 सीरीज वाला जो प्रोसेसर है वो इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलने वाला है। अब जो मीडियाटेक का 800 सीरीज वाला प्रोसेसर है वो एक नया प्रोसेसर है जो कि हाल ही रिसेंटली यहां पर लॉन्च किया था मीडियाटेक की तरफ से। और यहां पर इस प्रोसेसर में आपको जो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलने वाली है वो काफी बेटर यहां पर देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। र्यूमर आ रहा है कि पेंटा कैमरा पीछे की साइड यहां पर आपको रेडमी के नोट 9 प्रो में देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर कैमरे की बात करता हूं तो 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा यहां पर देखने के लिए मिलेगा पीछे की साइड। फ्रंट कैमरे की बात करता हूं तो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी की बात करता हूं तो 5000 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि कुछ अपडेट कल यहां पर निकल करके आई है ट्विटर के ऊपर। और इसके साथ साथ अगर फास्ट चार्जिंग भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी, बताया जा रहा है 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। USB Type-C पोर्ट होगी, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे ओवरऑल फीचर्स जो कि यहां पर आपको Redmi के Note 9 Pro में देखने के लिए मिलने वाले हैं। फाइनली बात करता हूं अगर मैं यहां पर इस स्मार्टफोन की प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है इंडिया के लिए इसके 20 वेरिएंट से वो आपको कुछ यहां पर 13,000 से 14,000 रुपए देखने के लिए मिलेगी इंडिया में। और फाइनली आपको क्या लगता है, ये जो स्मार्टफोन है अगर इस प्राइसिंग तक लॉन्च होता है इंडिया में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन निकल करके आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, नीचे जरूर से कमेंट करिएगा। दोस्तों, ये तक इस वीडियो में आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक मैसेज कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बटन प्रेस कर लीजिएगा।